नमस्कार, मैं हूं नंद कुमार और आप देख रहे हैं चैनल वन। झोपड़ों का मामला गर्माता ही जा रहा है। प्रत्येक इलाकों में झोपड़पट्टी बचाव की मुहिम तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अंधेरी आरटीओ ऑफिस के नए कार्यालय का भूमि पूजन मुख्यमंत्री ने किया। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। झोपड़ों के मामले का पकड़ा तूल, वासियों ने कहा सरकार न करे ऐसी भूल। और मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने किया नए आरटीओ कार्यालय का भूमि पूजन, निजात मिलेगी यातायात समस्याओं से। खबरें अब विस्तार से। झोपड़ों का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर विमानतल पर बसे झोपड़पट्टी वासी भयभीत है, लेकिन उनके मन से डर हटाने के लिए कई संगठन पार्टी सामने आ रही है। कल इसी मामले को लेकर अंधेरी के बामनपाड़ा में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में ऑल इंडिया स्लम के निर्देशक जोकिम, समाज सेवक निकोलस अल्मेडा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर सेवक सुभाष सावंत मौजूद थे। मौके पर मौजूद लोगों ने एक ही बात कही कि कुछ भी हो जाए, हम हमारे घरों को तोड़ने नहीं देंगे, और यदि ऐसा किया गया तो हमारे स्थानिक पुनर्वसन का पूरा जिम्मा सरकार लिखित तौर पर दे। कांग्रेस सरकार का टैगलाइन है कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। सरकार की हमेशा यही कोशिश रही है कि मुंबई से गरीबी हटाएं, लेकिन ज़्यादातर गरीब झुग्गी झोपड़ों में ही रहते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2020 तक के झोपड़े को मुंबई से हटाए जाएंगे, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि मुंबई से गरीबी हटाओ या गरीबों को हटाओ, यही प्रश्न पूछ रहे हैं आज प्रत्येक झोपड़ीवासी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने मुंबई वासियों को यह सपना दिखाया है कि वह मुंबई का काया पलट कर एक नया अवतार देंगे, जो कि वह संघाई शहर के समान होगा। यह सपना सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश का है, और इसे साकार करने के लिए तो सबसे पहले मुंबई एयरपोर्ट का खासगीकरण कर दिया गया और जीवीके वालों ने उस पर अपनी पकड़ बना ली। लेकिन हाल फिलहाल में यह बात सामने आई है कि मुंबई एयरपोर्ट की सुरक्षा, सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण के लिए और जगह चाहिए, लेकिन विस्तार के लिए यह जगह मिले तो मिले कहां से। एक ही मात्र रास्ता है कि उनके जमीनों पर पुरखों बरसों से बसे लोगों का आशियाना, जिसे उजाड़ कर विमानतल का सौंदर्यीकरण करेंगे। और यदि किसी के आशियाने पर आंच आती है तो उसका अंजाम एक ही होता है, और वह है विरोध। इसी कारण आजकल हम यदि इनके इलाकों में चले जाएं तो विरोध सभा आसानी से देख सकते हैं। कल इसी मामले को लेकर अंधेरी के वामनपाड़ा में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में ऑल इंडिया स्लम के डायरेक्टर जोकिम, समाज सेवक निकोलस अल्मेडा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर सेवक सुभाष सावंत मौजूद थे। इस सभा में लोगों ने तो सबसे पहले कहा कि यहाँ पर सभी लोग जो उपस्थित हैं वे किसी भी राजनीतिक मन से प्रोत्साहित नहीं हैं। समाजसेवी निकोलस अल्मेडा ने जब माइक संभाला तो कड़े तेवर में विरोध करते हुए कहा कि इस जगह में मैंने बिजली लाने के लिए अपने अंग पर घासलेट डाल लिया था, और अब इनके अधिकारियों के लिए जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। ये तो इसके लिए है कि ये जमीन जो हमारे पूर्वजों की थी, 1942 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने ये 2000 एकड़ हमारी जमीन डिफेंस के नाम पे ली थी। हम जो खेती करते थे इस जमीन के पर, हम लोग ने देश की उन्नति के लिए ये जमीन दे दी है। देश की उन्नति के लिए जो जमीन दी है वो डिफेंस के लिए यूज नहीं किया है। आज इसके पर 5-स्टार होटल और फ्लाइट किचन बन गए हैं, जैसा एक सेंटर होटल और हमारे लीला पेंटा। आज हमारी जमीन के पर आप लोग आके, अभी हमारा तो खेती लिया 1942 में, आज आके हमारे घरों का पर तुम बुलडोजर फिराने की बात करते हैं। प्राइवेट जमीन के पर, एयरपोर्ट की जमीन की छोड़ो, अगर देश की उन्नति करना है, अगर मेरे घर पे रनवे बनाना है तो मैं स्वयं मेरा घर देने के लिए तैयार हूँ। मैं बम्बई शहर के अंदर बहुत विरोध किया हूँ, 59 केसेस हो गया, 60वां केस मुझे अभी 3 तारीख को करना है। पहले तो मैं गधे पे घुमाऊंगा, और गधे पे घुमाने के बाद में मैं खुद स्वयं सभागृह के अंदर, जब 1994 के अंदर बदन पे घासलेट डाल के बिजली लाया, लेकिन बदन पे घासलेट डाल के जला नहीं, मैं जलाने की ताकत रखता हूँ। शांति में क्रांति करना ये मुझे बरोबर मालूम है, और आने वाले दिन के अंदर मेरे बाजू में जो डेवलपमेंट्स है
जैसा इंडियन ऑयल है, इनकी सुरक्षा हम लोग करते हैं। कल ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए कि हम लोग उसकी सुरक्षा करना चाहिए। सुभाष सावंत भी कुछ इसी राग में दिखे। ऑल इंडिया स्लम के डायरेक्टर ने लोगों को आश्वासित किया कि यदि एयरपोर्ट पर बसे झोपड़ों को तोड़ा जाएगा तो वासियों को इसी इलाके में पुनर्वसन किया जाना चाहिए। यदि सरकार इस मामले में विफल रही तो इसका विरोध और भी तीव्र हो सकता है। हम सरकार के पास हक मांगने के लिए नहीं जाएंगे। सरकार को मजबूर होकर हमारे इस झोपड़ी में हमसे बात करना होगा। आपका रनवे किधर आ रहा है, क्या नक्शा है, क्यों छुपा के रखा है? एयरपोर्ट तो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, दुनिया को मालूम होना चाहिए। कौन से चार रनवे आप बता दीजिए, हम बताते कौन से झोपड़ा पट्टी जाना। आप बोलने के पहले हम खाली करके देते। ये खाली करने वाले ने किधर जाएंगे वो हमें बता दीजिए। पहले रनवे किधर आना, ऑपरेशन एरिया के लिए तुमको कितना जगह चाहिए, तुमको फाइव स्टार होटल एयरपोर्ट के रनवे के बगल में तुम फाइव स्टार होटल बनाने के लिए तुम करेंगे, किसने परमिशन दिया? उनके पास पूरा सहूलत है, उनको क्यों बाहर नहीं लेके गए? डोमवेली में लेके जाओ, बोरीवली में लेके जाओ, या और किधर लेके जाओ। रनवे का जगह निश्चित किधर है हमको बताओ पहले, वो क्यों बताते नहीं? वो हम खुलासा करना चाहेंगे। आपका एयरपोर्ट विस्तारीकरण करना, अगर ये विस्तारण करना है, नया एयरपोर्ट बनाने के लिए क्यों जा रहे हैं? उधर कहीं और हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट क्यों करने जा रहे हैं? ये एयरपोर्ट को एक विस्तारण करना, नया जो एयरपोर्ट है उसमें और प्लेनों को लेके जाना। आप एक तरीके स्टेटमेंट नहीं कर रहे, 10 किस्म का स्टेटमेंट कर रहे, इसलिए हमको शक आ रहा है आपका शौक क्या है। बहरहाल यह मामला इतना तूल पकड़ता जा रहा है कि इसका राजनीतिक रंग में सराबोर होना लाजमी है। फिलहाल यह देखना है कि क्या इस सब झोपड़पट्टियों वासियों का पुनर्वसन उसी इलाकों में हो पाएगा जहां पर ये मांग कर रहे हैं। अंधेरी पश्चिम स्थित आरटीओ यानी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय की नई इमारत का भूमि पूजन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने किया। इस भूमि पूजन के अवसर पर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबल, सामाजिक न्याय मंत्री तथा पालक मंत्री चंद्रकांत हंडोरे, विधायक अशोक यादव व आरटीओ के उच्च अधिकारी मौजूद थे। इस पहल से आगामी वर्ष में यातायात समस्याओं से निजात मिल पाएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। हर बार लोगों का यही कंप्लेंट होता है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाएं तो समझो पूरा दिन खत्म हो गया, यानी सरकारी कार्यालयों में काम निपटने के लिए पूरा दिन लग जाता है। और अक्सर देखा जाता है कि सरकारी विभाग के कार्यालय कंजस्टेड और धूल खाए हुए होते हैं। लेकिन अब अंधेरी पश्चिम स्थित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ अब ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने आरटीओ के नए कार्यालय का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के दौरान मौके पर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबल, सामाजिक न्याय व पालक मंत्री चंद्रकांत हंडोरे भी मौजूद थे। इस कार्यालय के नूतनीकरण पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विलासराव देशमुख ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह प्रादेशिक कार्यालय यातायात विभाग को मजबूत करेगा, जिससे पश्चिम उपनगर के समस्याओं में काफ़ी कमी होगी। 1984 में इस कार्यालय को 40,716 स्क्वायर मीटर का जगह मिला था, लेकिन कई वर्षों तक यह वीरान रहा और अवैध कब्जे होने लगे। लेकिन आरटीओ के कर्मचारियों के मुस्तैदी से वे लोग सफल नहीं हुए। बहरहाल इस उद्घाटन से यातायात विभाग को एक नई सौगात मिलेगी। जनतेची कामं आपल्याला वेळेवर करता यावी, ही अपेक्षा विभागाची सातत्याने राहिली। परंतु या कामासाठी जो आवश्यक निधी शासनाच्या मार्फत उपलब्ध व्हायला हवा आहे तो वेळेवर होऊ शकलेला नाही आहे। खरं म्हणजे आम्ही सातत्याने ही गोष्ट नियोजन विभागाकडे आम्ही सातत्याने हा विषय मांडत असतो की जे विभाग शासनाच्या तिजोरीमध्ये भर टाकतात त्या विभागाला थोडे अधिक आर्थिक मदत ही शासनाच्या वतीने सातत्याने झाली पाहिजे।
त्यांच्या अधिकाऱ्याचे प्रश्न असतील, त्यांच्या वाहनाचे प्रश्न असतील, या सगळ्या कामाला प्राधान्य मिळालं पाहिजे. बाहरगाव जाने वाली सभी ट्रेनों के रिजर्वेशन के लिए हजारों यात्री स्टेशन पर लंबी कतारों में इंतजार करते हैं कि कब मेरा नंबर आएगा. लालू की हाईटेक रेलवे इन्हें बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन रिजर्वेशन की सुविधा तो पहले से ही दे रही है, लेकिन कई दिनों से 1 मार्च का इंतजार कर रहे मुंबईकरों के लिए यह दिन काफ़ी भारी रहा. दिन भर लोग कंप्यूटर के सामने टकटकी लगाए बैठे रहे. रेलवे की ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट खुली ही नहीं. गर्मी की छुट्टियों में अपने अपने घर जाने की आस लगाए बैठे लोग रेलवे की इस भयंकर लापरवाही से मायूस हो गए हैं. इससे सबसे ज़्यादा चुभने वाली बात यही थी कि वेबसाइट के चालू न होने की कोई सूचना वेबसाइट पर भी नहीं दी जा रही थी. शादियों का मौसम आया तो एक और बहाना है कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टी हो गई है और वे भी 2 महीने. इन्हीं छुट्टियों का मजा लेने लोग कहीं ना कहीं जाते हैं और रेलवे हमेशा कहती है कि हम आप ही के सेवा में हमेशा बैठे हैं, और सेवा भी इस तरह की कि कभी भी रेल टिकट सुकून से नहीं मिल पाता. रेलवे टिकट पाने के लिए तो 60 दिन पहले ही टिकट खिड़की पर भयंकर कतारें लगती हैं, लेकिन फिलहाल रेलवे अब 60 दिन को बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है और यह फेरबदल 1 मार्च से लागू कर दिया गया है. 1 मार्च का इंतजार कर रहे मुंबईकरों के लिए यह दिन काफ़ी भारी रहा. दिन भर लोग कंप्यूटर के सामने टकटकी लगाए बैठे रहे, लेकिन रेलवे की वेबसाइट नहीं खुली. लोग रेलवे की इस भयंकर लापरवाही से मायूस होकर रह गए. सबसे अहम बात यह रही कि वेबसाइट के चालू होने की जानकारी उपलब्ध ही नहीं थी. सुबह 5 बजे से यही सूचना डिस्प्ले हो रही थी कि मेंटेनेंस कार्य के कारण सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक वेबसाइट उपलब्ध नहीं होगी. गौरतलब है कि 1 मई से बाहर गांव जाने वाले गाड़ियों का रिजर्वेशन 1 मार्च को खुलना था. इसके अलावा रेलवे ने घोषणा की थी कि 1 मार्च से आरक्षण 90 दिन पूर्व करवाया जा सकेगा. IRCTC की इस वेबसाइट के काम न करने से जहां दिन भर लोग हैरान और परेशान रहे, वहीं इस बार वे अपने गांव न जा पाने से दुखी भी हुए. दरअसल रेलवे टिकट को लेकर हर साल मारामारी रहती है. हमेशा लोगों का यही कंप्लेंट होता है कि हमें टिकट नहीं मिलता. इसी को मद्देनज़र रखते हुए रेलवे ने 60 दिन पूर्व रिजर्वेशन को बदलकर 90 दिन कर दिया, और यह सुविधा लागू होते ही रेलवे की कलई खुल गई और रेलवे की बेहतर सेवा का दावा पहले ही दम तोड़ दिया. बहरहाल रेलवे की इस गलती से परेशान हुई मासूम जनता ही. लेकिन अब यह सवाल उठता है कि जब वेबसाइट खुली ही नहीं तो इतने बड़े पैमाने पर रिजर्वेशन कैसे हो गया. इस मामले में तकनीकी गड़बड़ी बताए जाने के पीछे किसी बड़ी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1. आगे और भी बाकी है, देखेंगे. गेटवे ऑफ इंडिया का होगा सौंदर्यीकरण, लेकिन एक ब्रेक के बाद.